उर्मिला को अब टाटा बाय बाय किया जा रहा है। करिश्मा सिंह तुमको यहाँ पे हसीना मलिक बनाकर लेके आई, जबकि एक जीती जाती हंसती खेलती। आज सीन में भी दारू के ठेके पर उर्मिला ने फुल ऑन हंगामा मचा दिया है। मैं मस्त मुंबई में अपना रेकड़ी चला रही हूँ, बड़ा पाव बेच रही हूँ, धंधा कर रही हूँ। जहाँ प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती है वहाँ आकर प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, तो इस मौके का तो फायदा वो उठाएंगे। ठीक है, भी कहने पे किया हो, गुनाह तुमने किया तो सजा भी तुम्हें मिली। तो अगर ऐसा हुआ तो तुम तो जानती हो कि करिश्मा सिंह तुम्हें बचा के आएगी। ओके, सो फाइनली आज उर्मिला यहाँ पर आ गई हैं, एक अलग अवतार में नजर आ रही हैं। आज बताइए कुछ इस बारे में, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये उर्मिला का ऑफिशियली लास्ट सीन है। उर्मिला को अब टाटा बाय बाय किया जा रहा है, बिकॉज हसीना मलिक इज कमिंग बैक। और लास्ट सीन में भी दारू के ठेके पर उर्मिला ने फुल ऑन हंगामा मचा दिया है। सो आई थिंक उर्मिला गई भी है, आई भी थी तूफान के साथ और जा भी रही है तूफान के साथ। थाने से ठेके तक ये सफर किस तरीके से रहा, यहाँ पे क्यों अचानक से आना पड़ा? इन थाने वालों ने तो निकाल दिया मुझे थाने से, मतलब उर्मिला को, और फिर कहा कि वर्दी छोड़कर जाना। पर ये गुस्सा हो गई, बोलती नहीं मैं भी जाऊंगी और वर्दी भी लेकर जाऊंगी, और मैं यहाँ आकर ठेके पर दारू भी पीऊंगी और फिर जाऊंगी वापस मुंबई। तो इस वजह से वो यहाँ ठेके पर आ गई। इस सिचुएशन का बुलबुल भी बहुत फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? बुलबुल पांडे हमारे थाने के सबसे पुराने और सबसे लॉयल दुश्मन है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती है वहाँ आकर प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, तो इस मौके का तो फायदा वो उठाएंगे। कुछ प्लान बनता वो भी नजर आ रहा है? हाँ, वो कोशिश तो कर रहे हैं मुझे पूरे थाने वालों के अगेंस्ट बरगलाने की, बट आई डाउट वो प्लान वर्क करेगा। अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो? बोल, हाँ, वो बहुत कोशिश करे कि मैं उनकी टीम में आ जाऊँ और इन सब के अगेंस्ट हो जाऊँ, पर मुझे लगता नहीं है उर्मिला ऐसा करेगी। तो उर्मिला का ट्रैक खत्म हो रहा है, कितना मिस करने वाली हैं आप इस ट्रैक? मैं बहुत मिस करूंगी उर्मिला को, उर्मिला की एनर्जी को, उसके पागलपन को। कभी भी कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है। एंड उर्मिला एज अ कैरेक्टर इज ऑल्सो प्रीटी क्लोज टू माई ओन पर्सनैलिटी, सो आई एम गोना मिस दैट अलॉट। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू गेट हसीना मलिक बैक, क्योंकि हसीना मलिक का अंदाज और तजुर्बा और वो शेर व शायरी और वो उर्दू के अल्फाज, वो दे आर मैजिकल। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन अगेन। थैंक यू सो मच। Thank you.